दिल्ली में अगले साल की शुरुआत में होने हैं विधानसभा चुनाव और उसकी जो तैयारी है वो अभी से दिल्ली यानी राजधानी की कुर्सी कैसे मिले इसकी शुरू हो गई है। और इसमें जो सबसे पहली तैयारी है वो उस पार्टी ने शुरू की है जो पिछले कुछ चुनावों से अपना खाता तक नहीं खोल पाई। 2015 और 2020 में जब चुनाव हुए थे तो कांग्रेस पार्टी शून्य पर अटक गई थी, और 2013 में जब उससे सत्ता छिनी और जब 2013 में मात्र 8 सीटों पर संतोष करना पड़ा, उसके बाद लगातार कांग्रेस संघर्ष कर रही है। लेकिन संघर्ष अपनी जगह पर है, अब जाकर के कांग्रेस कोशिश कर रही है कि किस तरीके से अपनी जो धाक है वो जमाई जाए। खासतौर पर पार्टी इस बात से उत्साहित है कि उसे लोकसभा चुनाव में अलग अलग राज्यों में अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। हालांकि दिल्ली में फिर से उसे शून्य सीटें ही हासिल हुई, सीट ही हासिल हुई, लेकिन उसके बावजूद पूरा जोर लगाया गया है। जो नए अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, देवेंद्र यादव, उन्होंने तैयारी शुरू की है, और तैयारियों में कुछ ऐसा है कि ब्लॉक लेवल से लेकर जिला स्तर तक दिल्ली में, आपको बताएं कि कांग्रेस के संगठनात्मक ढांचे में 14 जिलों का जिक्र होता है। उन 14 जिलों के जिलाध्यक्ष नियुक्त करने यानी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को नियुक्त करने की कवायद शुरू कर दी गई है। सबसे पहले संगठन के तमाम उन नेताओं को बुलाया गया मीटिंग में जो ब्लॉक स्तर के हैं, उनके साथ मीटिंग की गई, उनके साथ चर्चा की गई, और उसके बाद 14 के 14 जिलों के लिए तीन तीन पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी गई है जो वहां पर जाकर के, उन जिलों में जाकर तमाम अलग अलग नेताओं से राय मशविरा करेंगे, फिर वहां के जिलाध्यक्ष की घोषणा अगले कुछ दिनों में, अगले कुछ हफ्तों में करने की संभावना है। तो इस तरीके से सबसे ज्यादा जो जरूरी काम अभी समझा जा रहा है वो ये है कि संगठन को किस तरीके से मजबूत किया जाए, संगठन को किस तरीके से उस पर पकड़ बनाई जाए ताकि कांग्रेस कम से कम दिल्ली में वापसी का रास्ता पकड़ पाए। दूसरी जो बात है वो ये है कि आखिरकार किस तरीके से उन मुद्दों का क्या होगा जिसके आधार पर चुनाव लड़ेगी। तो उसके लिए मैनिफेस्टो बनाया जाता है। तो मैनिफेस्टो यानी अपनी अपनी जो पार्टी की जो आगे किस तरीके से नीतियां रहेंगी उनको लेकर अभी से चर्चा शुरू हो गई है, और उसमें बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि सब कमेटी बनाई गई है। मैनिफेस्टो बनाने की एक कमेटी होती है, लेकिन कमेटी से पहले सब कमेटी बनाई गई है, और उन सब कमेटी में अलग अलग विषय दिए गए हैं। मसलन स्वास्थ्य के लिए अलग, शिक्षा के लिए अलग, पर्यावरण के लिए अलग, और उनमें बड़े नामों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है जो राजनीतिक नाम नहीं है। जैसे कुछ नाम ऐसा है, अशोक अग्रवाल जो कि लगातार पिटीशन लगाते रहते हैं दिल्ली हाई कोर्ट में शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े मसलों को लेकर के, उन्हें स्वास्थ्य का जिम्मा दिया गया है। इसी तरीके से एक बड़े शिक्षाविद को दिया गया है जिम्मा कि वो शिक्षा के क्षेत्र में क्या कुछ किया जा सकता है, उस पर एक ब्रॉड आउटलाइन लेकर के उन मुद्दों को समेट करके लाएं। इसी तरीके से जो CSE है, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, उसकी जो मुखिया हैं सुनीता नारायण को, उनको कांग्रेस ने कहा है कि वो पर्यावरण के मसले पर कुछ राय मशविरा दें, और जो ये विशेषज्ञ जो अपनी कमेटी के जरिए जो सुझाव देंगे उनको फिर से जो बड़ी कमेटी होगी मैनिफेस्टो कमेटी उसके सामने लाया जाएगा, और वहाँ पर मैनिफेस्टो यानी अलग अलग वर्गों के लिए जिसमें छात्र भी हैं, जिसमें युवा हैं जिनको नौकरी की तलाश है, उसी तरीके से महिला हैं, बुजुर्ग हैं, इन सब के लिए अलग अलग सब कमेटी बनाई गई है, और उनसे उनके लिए जो वायदे किए जाएंगे चुनाव में उस पर अभी से काम शुरू कर दिया गया है। तो अभी कई महीने बचे जरूर हैं चुनाव में, लेकिन उस पर मंथन शुरू कर दिया गया है। जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि 70 के 70 विधानसभाओं के लिए उम्मीदवार कैसे तय किए जाएं, क्योंकि एक बात मानी जा रही थी कि दिल्ली में कांग्रेस के पास कई सारे पूर्व विधायक हैं, लेकिन उन पूर्व विधायकों की वजह से कई बार हार का मुख देखना पड़ता है क्योंकि वो एक तरीके से आउटडेटेड हो गए हैं या उन पर भरोसा अब लोगों का कम रहा है। तो ऐसे नए चेहरों की तलाश भी की जा रही है जो अपने क्षेत्र से आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों को कड़ी टक्कर दे सकें, जो युवा भी हों, जो फ्रेश चेहरे भी हों, उसमें महिलाओं की भी भागीदारी होगी। तो हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि अनुभव को सीधे सीधे
नकारा नहीं जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो अनुभवी नेता हैं और डिजर्विंग नेता हैं उनको टिकट नहीं दिया जाएगा, लेकिन इस बार बहुत बड़े व्यापक स्तर पर चेहरों में तब्दीली की जाएगी ताकि लोगों के सामने एक नई किस्म की कांग्रेस को प्रस्तुत किया जा सके। तो ये पूरी तैयारी है, और इस ये तमाम तैयारियों के पीछे एक बड़ी वजह ये है कि कांग्रेस को लगता है कि उसका देश में रिवाइवल हो रहा है, इसीलिए देश की राजधानी यानी दिल्ली में रिवाइवल ना हो इसकी कोई बड़ी वजह नहीं है। लोगों को ये भी लग रहा है कि जो कांग्रेस पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनको ये भी लग रहा है कि लोग आम आदमी पार्टी साथ ही साथ बीजेपी दोनों से थक चुके हैं, दोनों लगातार जो दिल्ली के नाम पर सियासत करते हैं उससे वो ऊब चुके हैं, और इसीलिए अब ज़रूरत है कि लोग भी इस तरीके की ज़रूरत महसूस कर रहे हैं कि उनके सामने एक नए विकल्प, एक नए कलेवर, एक नए तेवर के साथ कांग्रेस दिखाई पड़े, जिसने कभी शीला दीक्षित के कार्यकाल में 15 साल सत्ता चलाई थी। तो ये एक कोशिश की जा रही है कांग्रेस की तरफ से, और कितना उसमें कामयाबी मिलती है ये तो बहुत ज़्यादा अभी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अभी बहुत शुरुआती दौर में हैं। साथ ही साथ एक और जो बड़ी मुश्किल है कांग्रेस के सामने, उसके पास कभी शीला दीक्षित जैसा चेहरा होता था, अभी कोई वैसा सर्वमान्य चेहरा नहीं है। कई सारे बड़े नेता पिछले कई समय में, कई महीनों में, कुछ महीनों में पार्टी छोड़ करके भी गए हैं, उनका भी असर है। तो ऐसे में जो कार्यकर्ता और जो नेता पार्टी से बाहर चले गए हैं, क्या उनको भी वापस लाने की तैयारी है, या उनको अब बिल्कुल साइडलाइन पर रखा जाएगा और कोशिश यही की जाएगी कि जो अभी पार्टी के साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं उनको ही नए तरीके से दोबारा पार्टी में जोश भरने के लिए वापस संगठन और साथ ही साथ चुनावों में लगाया जाए। तो ये थी कांग्रेस की तैयारी जो कि शुरू हो गई है आम आदमी पार्टी और बीजेपी के खिलाफ दिल्ली विधानसभा चुनावों के मद्देनजर।